डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस एंड डिक्के सर बायो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हमारे पास दो दो जो है किट है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए स्टिक आता है और एक किट आता है। हम लोग आज दोनों से क्या करेंगे, आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस किट के बारे में बता रहे हैं कि इससे कैसे जो है प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे आपको यूरिन लेना है, जिस जो है गर्भवती महिला को आपको जांच करना है, उससे आप यूरिन को प्राप्त कर लें। हो सके तो आप मॉर्निंग वाले जो है यूरिन को प्राप्त करेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट आएगा, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यूरिन को भी लेकर के कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइनिंग आती है। देखेंगे यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, एक लाइनिंग दिख रहा है। उस लाइनिंग तक आपको क्या करना है, यूरिन में इसे डुबोना है या भिगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम दिखा रहे हैं आपको इस प्रकार से, और हम लोग उसको जो है रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। ऐसे हम लोग जो है इसको भींगे रखते हैं ताकि हमें रिजल्ट प्राप्त हो सके, और अगर रिजल्ट प्राप्त होता है उसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर पाते हैं कि इस यूरिन से जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है या इनवैलिड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे एक लाइनिंग आया है, ठीक है, एक लाइनिंग आया है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। इससे हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि ये क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव, हम लोग इसको प्रूव कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें सेकेंड विधि, अगर हम लोग देखते हैं तो सेकेंड विधि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये फीचर्स है और ये प्रोफेशनल भी है, क्योंकि आप इससे अगर आप जांच करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलता है और आपको जांच करने में भी सुविधा होती है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस में जो है बहुत सारे जो है डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसके बारे में खुद बताएँगे। तो चलिए, यहाँ पर इसको लोग फाड़ते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक इसके अंदर खुद ड्रॉपर रहती है। इस ड्रॉपर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, यूरिन जिसमें लिए हुए रहते हैं उस यूरिन को निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप निकाल लीजिए और इस पर आप इसको एक कीजिए, दो बूंद आप डालिए इस पर। और कुछ समय तक इंतज़ार हम लोग करते हैं रिजल्ट आने तक का। रिजल्ट आने तक हम लोग इंतजार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट आपको मिल रहा है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक लाइनिंग आया है, क्या आया है, सी के सामने आया है। तो सी से क्या होता है, अगर सी के सामने लाइनिंग आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सी के सामने आया है। तो सी से हम लोग सी के सामने अगर लाइनिंग को देखते हैं तो उसे प्रूफ होता है कि ये क्या है, तो निगेटिव है,
इससे प्रूफ होता है कि इस यूरिन में जो है प्रेगनेंसी जैसे यानी गर्भवती जैसे कोई क्रियाएं नहीं हो पा रही है। अगर यही दोनों पर आता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर दोनों पर टी पर आता या सी दोनों पर आता तो इससे पॉजिटिव प्रूफ होता, लेकिन सी पाया इसलिए निगेटिव है। अगर कुछ नहीं आता, ये सदा फिल इन द ब्लैंक रहता, सदा रहता, तो उस कंडीशन में जो है ये इनवैलिड माना जाता, या तो यूरिन में किसी तरह का जो है ये है, और नहीं तो फिर जो है ना कार्ड खराब है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और इसको आप आसानी से घर बैठे कम समय में कम मेहनत में जांच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फ़िलहाल के लिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।